हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाषिस। आज एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी था, और जैसे आप लोगों को देखते होंगे, मैं एटलीस्ट थर्सडे के दिन आप लोगों को कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम के अंदर। उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, हिट द लाइक बटन। इतने लोगों ने आज प्रॉफिट कमाया होगा या फिर इसके ऊपर ट्रेड किया होगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा हमेशा इंटेंशन ये रहता है कि इसके पीछे का लॉजिक रीजन अगर आप लोग समझ गए, तो आने वाले टाइम में भले मैं आपको ट्रेडिंग आइडिया प्रोवाइड करूँ ना करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में, या फिर कभी अगर आप कहीं पर पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ये सारी चीज़ें लेने का जरूरत नहीं है, अगर आप सही से प्राइस को समझ पाए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमेशा मैं स्टॉप लॉस के ऊपर ज्यादा काम करता हूं। हर बार ट्रेड देने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं स्टॉप लॉस इतना रुपीज का है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, सो दैट अपना जो रिस्क कैपेसिटी है वो हमेशा कम हो जाए और प्रॉफिट हम लोग हमेशा बढ़ा रखते हैं, सो दैट कि अगर मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड मिले, एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम लोग आज मार्केट में देखेंगे मॉर्निंग आवर के अंदर, अगर आप लोग स्क्रीन में देखोगे, बैंक निफ्टी 36,200 के ऊपर ओपन हुआ। एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत जितने लोग रेगुलरली वीडियो देखते होंगे एक साल से, उनको पता है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट में भले मार्केट क्लोज हुआ था प्रीवियस डे पे, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप मार्केट में भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है। तो एक पॉइंट आप लोग लिख लो, मैं आपको लर्निंग पॉइंट बताने वाला हूँ। लेट से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट में अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, इट कैन कन्वर्ट इन टू नेगेटिव साइन, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद जितने लोग यहाँ पे होल्ड करके रखे होंगे उन्हीं लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो मार्केट थोड़ा सेलिंग प्रेशर में आ जाता है, उसके बाद फिर गैप फिलिंग हो जाता है, उसके बाद अगर मार्केट होल्ड नहीं करता तो और ज्यादा सेलिंग का प्रेशर आ जाता है। हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ये आप लोगों ने लिख लिया। लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, अगर सर मार्केट नेगेटिव है और मार्केट अगर नीचे गैप डाउन खुला, क्या सर यहां से प्रॉफिट बुकिंग आके ये टर्न अराउंड मतलब पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हो सकता है? चांसेस आर वेरी लेस। एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 100 से स्टॉक 1,000 रुपए चला जाएगा बहुत स्लो एंड स्टडी जाता है, लेकिन 100 रुपए का स्टॉक या 1,000 रुपए का स्टॉक 500 पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, अगर वो स्टॉक के अंदर कुछ फंडामेंटल या फिर कुछ इशू रहा तो। इसके लिए तो सेकेंड पॉइंट आप लोगों को रखना है, अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में है और बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, स्टिल ये कंटिन्यू कर सकता है नेगेटिव साइड, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है और बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो पहले अगर प्राइस एक्शन आपका नेगेटिव साइड बनता है तो हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अभी अगर हम लोग स्क्रीन में देखेंगे, पहले एक बहुत बड़ा सेल अप आया, यहां पे थोड़ा सा पुल बैक हुआ, उसके बाद समय अराउंड इसी लेवल पे मैंने आप लोगों को एक अच्छा छोटा सा स्टॉप लॉस दिख रहा था, 36,000 का कॉल शॉर्ट करने के लिए बताया। इसके पीछे का रीजन एक शार्प सेलिंग आया, अगर ये फ्लो में थोड़ा सा भी नीचे जाता है 1:2 या 1:3 आप लोगों को मिल जाएगा। जितने लोग टेलीग्राम मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है, अगर आप लोग देखोगे आज मॉर्निंग में 36,000 CE 155, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए, ट्रेड्स मिलने के लिए ये चैनल ज्वाइन मत करो, मैं आपको लर्निंग देने के लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं, सो दैट एटलीस्ट आपको एक फेयर आइडिया हो लाइव मार्केट के ऊपर भी। आप सही से अगर प्राइस एक्शन रीड कर रहे हो, एक दो ट्रेड करो, एक दिन भले ट्रेड करो, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। अभी अगर हम लोग देखेंगे मॉर्निंग आवर में 9:31 को मैंने आपको कॉल शॉर्ट करने के लिए था, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के अंदर उसने 1:2 या 1:3 के आसपास टारगेट मिल गया था, इसका मतलब मोर देन 50-75 रुपीज आपको मिल चुका होगा। समय अराउंड उसके पीछे का रीजन अगर देखेंगे, यहां पे सेलिंग आया, 36,000 कॉल शॉर्ट करने का रीजन अगर आप लोग देखोगे, मॉर्निंग आवर में एक सेल आया, ये वेट कैंडल है, बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना है, ये आपने वेट किया, उसके बाद ये पुल बैक हुआ, पुल बैक में यहां पे आपको एक प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, फर्स्ट सेलिंग आया, उसके बाद यहां से रिवर्सल हो सकता है। थोड़ा सा मैं पहले ट्रेड इसीलिए दे देता हूं क्योंकि अगर ये लो क्रॉस करना हो जाएगा, प्रीवियस मोमेंटम क्या था, प्रीवियस सेलिंग था, तो ये पुल बैक में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर रहता है, और इसके पीछे का रीजन है कि 20-25 रुपए का अगर स्टॉप लॉस मिल रहा है तो ये ट्रेड लेने से इजी हो जाता है, अगर ये बहुत बड़ा मोमेंटम कर जाएगा दैट टू एक्सपायरी डे पे इसको होल्ड करने का कैपेसिटी मिल जाता है। फिर यहां पे एक सेलिंग आया, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करोगे, अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे प्राइस एक्शन, यहां पे एक सेलिंग का प्रेशर आया, यहां पे फर्स्ट पुल बैक में बार बार मैं आपको बताता हूं, जब भी एक शार्प सेलिंग आया हो फर्स्ट पुल बैक में हमको बाय नहीं करना चाहिए। यहां पे भी अगर आप प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट करते 36,000 का कॉल तो भी प्रॉफिटेबल होता। यहां पे ब्रेकआउट होने के बाद समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास मैंने आपको 16,650 निफ्टी का पुट बाय करने के लिए दिया था, और उसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों मन में यह चल रहा होगा, सर आप बैंक निफ्टी हमेशा देते थे, आज ऐसा क्या हुआ जो निफ्टी आप दे दिए? एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, हमेशा मैं क्या करता था, बैंक निफ्टी एक वाइल्ड मूव करता है,
मैं हमको 25, 30, 40, 50 इसी रेंज के अंदर मैं हमेशा देता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है, लेट से मैं 35 रुपीज में या 50 रुपये में आपको बाई करने के लिए देता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ यहाँ पे बाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस लेट से 20 रुपीज का है या 25 रुपये का है, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस में रखता नहीं हूँ। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, अगर मार्केट में 70-80 मूव करता है, मैं बता देता हूँ 35 का एसएल ट्रेल कर लो, सो दैट 10 से 15 रुपये का एसएल रहे, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। लोग लेकिन गलती करता है 70-80 देखने के बाद उन लोग उसको होल्ड करके चले जाते हैं और इन द एंड में ये जो 50 रुपये रहता है उसको पूरा जीरो होने तक होल्ड करते हैं। ये मेरे माइंड में कहीं बैकअप द माइंड हमेशा रहता है कि नहीं, अगर बहुत कम जगह पे मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस दूं, लेट से 25 रुपये में बाई करने के लिए दूं या फिर 10 रुपये में बाई करने के लिए दूं, तो ये अगर आप होल्ड भी करके रख लो तो भी आपका बहुत बड़ा नुकसान ना हो, बहुत बड़ा लॉसेस ना हो, क्योंकि मुझे पता है ये सारे लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैं हमेशा 20 से 25 रुपये का ही ढूंढता हूँ, 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस मैं आपको देता हूँ। अगर आप होल्ड भी कर जाओ तो 25 रुपये से ज्यादा लॉस ना हो, लेकिन अगर प्रॉफिट हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। इस पॉइंट पे आज एटलीस्ट बैंक निफ्टी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने 35,800 का पुट देने के लिए सोच रहा था, उस टाइम पे ये 35 to 40 रुपीज में चल रहा था और लास्ट 2 या 3 बार हो चुका है 35-40 हम लोगों ने बाई तो किया, लेकिन 80 गया, कभी 100-90 गया, कभी 60 गया, 50 गया, इन द एंड में जीरो हो जाते थे। और सेकेंड थिंग, यहां से अगर हम लोग देखेंगे ये पॉइंट पे सब लोगों का माइंड में ये होगा कि नहीं एटलीस्ट ये आके गैप फिल करेगा, करेक्ट, ये सबके माइंड में होगा। और 35,800 टू बी वेरी फ्रॉम बहुत दूर था, तो मेरा इंटेंशन ये था कि नहीं मार्केट अगर गैप भी फील करे तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाए, दैट टू कि नहीं बहुत अच्छा। अगर उस टाइम पे हम लोग देखेंगे निफ्टी, अगर देखेंगे यहाँ पे कितना बजा था, 11 बजा था जिस टाइम पे मैंने आपको टेलीग्राम में पुट बाई करने के लिए दिया था। लेट मी चेक, क्रॉस चेक वन मोर टाइम, ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को बाई करने के लिए दिया था 11:15 के आसपास, समय अराउंड इसी कैंडल के आसपास आप लोगों को मैंने बाई करने के लिए दिया था, ये कैंडल या नेक्स्ट कैंडल के आसपास मैंने आपको बाई करने के लिए दिया था। अगर निफ्टी देखेंगे 11 बजे मार्केट अभी भी टॉप के आसपास चल रहा था और यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था निफ्टी एक ब्रेकआउट दे चुका है, 16,700 के आसपास इसका टारगेट दिख रहा है। एग्जैक्टली उसी लेवल आने के बाद ये प्राइस एक्शन बिल्डअप करना शुरू किया था, जहां से ये सेलिंग ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल पे रेजिस्टेंस देके नीचे आ रहा था। अगर ये पॉइंट में हम लोग देखेंगे गैप फिल करना बहुत दूर हो जाता, बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत पास था गैप फिल करने के लिए लेकिन निफ्टी बहुत दूर था। तो ये सारी चीजें आप एनालिसिस कर सकते हो। लेट से आपके पास 3 स्टॉक है, मैं ये कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, 3 स्टॉक है और आपको एक अच्छा सेलिंग का सिनेरियो भी दिख रहा है, आप उसको सेल करना चाहते हो और तीनों केस में वो गैप फिल हो सकता है। लेकिन जहां पे ज्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, ऑलरेडी जो स्टॉक जा चुका होता है उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, आपको टारगेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक गया नहीं है और वहां पे प्राइस एक्शन दिख रहा है सेलिंग के साइड, तो उसको पहले प्रेफरेंस करना चाहिए। यहां पे हम लोग सोचे बैंक निफ्टी गैप फिल कर सकता है, निफ्टी 16,700 जाके आ चुका है, अगर हम लोग यहां पे प्राइस एक्शन देखेंगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ, फिर यहां से प्राइस एक्शन बनाया समय अराउंड इसी लेवल के आसपास 11, 12 या 13 के आसपास मैंने आपको पुट बाय करने के लिए दिया था। और एक पॉइंट यहां पे मेरा रीजन था, 16,650 बहुत पास में था, अगर यहाँ पे लेट से गैप फिल भी कर देता तो 16,620 के आसपास गैप फिल करता। अगर यहाँ पे आके मार्केट क्लोज भी हो जाता तो भी आपको 30 रुपये मिल सकते थे, आपने 15 से लेके 20 रुपये में खरीदा है, ये 30-35 रुपये में क्लोज होता, तो लॉसेस का सिनेरियो बहुत कम था, स्टॉप लॉस 5 से 10 रुपये का था, उससे ज़्यादा नहीं था। अगर ये गैप फिल कर देता, अगर 600 टच कर देता तो भी 50-60 रुपये फ्लो में मिल जाते और स्टॉप लॉस कम है 5-10 रुपये, तो अच्छा खासा क्वांटिटी भी आप परचेस कर सकते थे। इसी के लिए मैंने आप लोगों को 16,650 का पुट बाई करने के लिए दिया था, क्योंकि ये अगर गैप भी फिल कर जाए तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सके, लेकिन उसके बाद एक फ्लो में मिला था। कल भी यही पॉइंट हम लोग डिस्कशन किए थे, निफ्टी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, बैंक निफ्टी 2 दिन से ऑलरेडी डाउन है तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ज्यादा था नहीं। निफ्टी 4 दिन से कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बना रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, और नियर टू एक्सपायरी टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और प्रॉफिट बुकिंग के टाइम में हम लोगों ने बैंक निफ्टी कॉल शॉर्ट करके 150 मोर देन 150 रुपीज कमाए, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, यहाँ पे एक ईजी प्रॉफिट मिला। हिट द लाइक बटन अगर आपको इस तरीके का लर्निंग वीडियो चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को मैं अगर आपको 10 बार बताऊंगा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट देखने से, ये कैंडल्स देखने से आपको आइडिया लग जाएगा
का हाँ मुझे यहाँ पे बाई करना था या फिर यहाँ पे सेल करना था क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत कम है, प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है। और ये सारी चीजें आप वेडनेसडे थर्सडे अगर प्रैक्टिस करोगे ऑप्शन में, तो इससे क्या होगा, अगर आप सही हो और क्विकली मोमेंटम किया तो आपको पैसा इजिली मिल जाएगा। आप अगर ऑप्शन कॉल या पुट शॉर्ट कर रहे हो तो टाइम डी के बहुत फास्ट होता है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए वेडनेसडे थर्सडे होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप रेगुलरली इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो फिर आप रेगुलर डेज पे भी ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। मैं ट्रेडर कभी एक दिन में बना नहीं हूं या फिर कोई एक दिन में बन नहीं सकता, इट्स ए रेगुलर प्रैक्टिस और आपका पोजीशन साइजिंग साइकोलॉजी सभी इंटैक्ट होना चाहिए। हर दिन कभी टेलीग्राम का कॉल काम नहीं करता, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूं अगर मैं 10 दिन दिया हूं तो 7 to 8 टाइम काम करते ही है। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग का बात करूं, आप लोग जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, मोर देन 80% टाइम एक्यूरेसी है। और आप लोग पेड सर्विस देते हो लोगों को, अगर मैं यहां पे चार्जेस भी अप्लाई करूंगा तो बहुत सारे लोग इसको सब्सक्रिप्शन खरीद के भी ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरा ये इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन है आप लोग अगर एक बार सीख जाते हो बस आप क्रॉस चेक कर सकते हो, लर्निंग के लिए आप मेरा क्रॉस चेक कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। आप अगर अपना एफर्ट्स डाल के अगर 1 रुपए भी वाले कमा रहे हो आज नहीं तो कल, वो फिर मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। लेकिन अब भी पेशेंस एंड प्रैक्टिस की नीड है, तो वो करते चलो। और मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं, मैं आपको स्टॉक भी ढूंढ के देता हूं। अगर आज यूबीएल देखेंगे, यूबीएल कल हम लोगों ने सिंपल यहां पे एनालिसिस किया था, ये कंटिन्यूसली वेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट दे सकता है। मार्केट नेगेटिव होने के कारण भी इतना बड़ा मोमेंटम किया है, ऑलमोस्ट 6% के आसपास, 5% के आसपास ये मूव किया है। अगर हम लोग कुछ स्टॉक देखें, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मैन लिस्ट में है लेकिन एक सेलिंग प्रेशर में आया। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।